एनडीटीवी के एंकर रवीश कुमार के अगर आप फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आम जनता को सच का पता चल सके, कैसे मोदी सरकार आपको फैक्ट्स एंड फिगर में फंसा रही है और आपको बेवकूफ बनाती जा रही है और आप बनते जा रहे हैं। रवीश कुमार ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट को अभी कुछ देर पहले शेयर किया था जिसमें उन्होंने बताया है कि 22 जून को इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपती है और उसे 23 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि देश के 700 स्टेशनों पर एक महीने में 80 लाख लोगों को वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। देश में करीब 700 स्टेशन हैं, जिनमें से 4 साल बाद सरकार बताती है कि 700 स्टेशन पर 80 लाख लोगों को वाईफाई की सुविधा मिल रही है। इस लिहाज से ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से और समझाता हूँ कि रवीश कुमार इससे असहमत क्यों हैं कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। उदाहरण के तौर पर वो बताते हैं, हर दिन 2,30,00,000 यात्री रेल से सफर करते हैं। इस हिसाब से महीने में करीब 69 करोड़ यात्री सफर करते हैं। 69 करोड़ यात्रियों में से एक महीने में मात्र 80 लाख यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा दे रही है, तो आपने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मार दिया? ये तो 1% के भी आसपास है। भारतीय रेल के करोड़ों यात्रियों में से 1% को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने की खबर को प्रधानमंत्री ट्वीट कर रहे हैं। अच्छे दिन आ गए। आगे उन्होंने बताया कि अब स्टेशन के हिसाब से देखिए, 700 स्टेशनों में मुंबई, हावड़ा, दिल्ली के स्टेशन तो आने ही चाहिए। हावड़ा स्टेशन पे 9 लाख यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इस हिसाब से महीने में 2,70,00,000 यात्री हुए। नई दिल्ली स्टेशन पर प्रतिदिन आने जाने वाले यात्रियों की संख्या करीब 5 लाख बताई जाती है। इस हिसाब से महीने में 1.5 करोड़ यात्री हुए। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हर दिन औसतन 20 लाख से यात्रियों की आवाजाही होती है। इस हिसाब से महीने में यात्रियों की संख्या 6 करोड़ से अधिक होती है। सिर्फ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली के स्टेशन पर एक महीने में आने जाने वाले यात्रियों की कुल संख्या अगर जोड़ भी लें तो 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है। क्या 10 करोड़ यात्रियों के बीच 80 लाख यात्रियों को फ्री वाईफाई की सुविधा देने का इंतज़ाम कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है? रवीश कुमार के हिसाब से ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। अब लोगों का क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक किए बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप दबा दीजिए।